नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर हरियाणा में चल रही सरकारी नौकरियों की भर्तियों के बारे में बड़े खुलासे करने जा रहे हैं। और जो खुलासे करने जा रहे हैं उसका आधार होंगे वो दस्तावेज और वो तथ्य जिसे कोई झूठला नहीं पाएगा, यहां तक कि ना सरकार, ना बीजेपी पार्टी और ना ही कोई पदाधिकारी। शुरुआत होती है दोस्तों यहां से कि जब हरियाणा में और केंद्र में बीजेपी की सरकार बनी थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में भर्तियों में पारदर्शिता लाने के लिए, वहां पर भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए एक बड़ा कदम उठाया था 1 जनवरी 2016 से। जी हां, 1 जनवरी 2016 से केंद्र सरकार की सभी क्लास सी और क्लास डी की नौकरियों में इंटरव्यू पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया। जी हां, पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मानना यह था कि इंटरव्यू का मतलब ही होता है भ्रष्टाचार, इंटरव्यू का मतलब ही होता है धांधली। मुझे बताइए ये इंटरव्यू है क्या चीज, जब वो एग्जाम देकर के मार्क ले आया है तो तुम 30 सेकंड में क्या इंटरव्यू करते हो भाई? इंटरव्यू का मतलब ही है सिफारिश, इंटरव्यू का मतलब ही है कि किसी बड़े व्यक्ति का कुर्ता पकड़ करके पहुंचना और जो हक है वो हकदार बेचारा हक से वंचित रह जाता है। मेरे प्यारे देशवासियों, मैंने 15 अगस्त को लाल किले से ये कहा था कि कुछ बातें हैं जहां भ्रष्टाचार घर कर गया है। गरीब व्यक्ति जो छोटी छोटी नौकरी के लिए जाता है, किसी की सिफारिश के लिए नहीं पता नहीं क्या क्या उसको कष्ट झेलने पड़ते हैं, और दलालों की टोली कैसे कैसे उनसे रुपये हड़प लेती है। और इसलिए सरकार का फैसला है कल 1 जनवरी 2016 आपको नव वर्ष की सौगात है कि आप श्रेणी 3 और 4 में इंटरव्यू नहीं किया जाए। केंद्र सरकार की तरफ से बार बार राज्य सरकारों को ये कहा गया कि जब केंद्र सरकार ने पूरी तरीके से इंटरव्यू खत्म कर दिया है तो आप लोग भी इंटरव्यू खत्म कीजिए, लेकिन बहुत सारे राज्यों में ऐसा नहीं हुआ। लेकिन कम से कम ये उम्मीद जरूर थी कि जो बीजेपी शासित राज्य हैं वहां तो नरेंद्र मोदी की बात को माना जाएगा, केंद्र की पॉलिसी को वहां तो हूबहू और बहुत जल्दी लागू किया जाएगा। हरियाणा में बीजेपी की सरकार है, बीजेपी के मुख्यमंत्री है, उम्मीद यहां पर भी यही थी, लेकिन यहां ऐसा नहीं हुआ। इंटरव्यू के पिछली सरकारों से नंबर जरूर कम कर दिए गए लेकिन इंटरव्यू पूरी तरीके से खत्म नहीं किया गया। 25 नंबर का इंटरव्यू हरियाणा में क्लास सी और क्लास डी की भर्तियों में रखा गया। हमने राज्यों को भी कहा कि हमने किया है तुम भी तो करो, लेकिन वो नहीं चाहते, उनको तकलीफ हो रही है। आप भी सभी राज्य सरकारें ये इंटरव्यू का परंपरा खत्म कीजिए और मेरिट के आधार पर नौजवानों को रोजगार। खुद प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि हमने राज्य सरकारों को भी कहा लेकिन उन्होंने नहीं किया, उनको दर्द होता है, वो ऐसा नहीं करना चाहते। साफ तौर पर प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं कि ये लोग भ्रष्टाचारी मानसिकता से बाहर नहीं निकलना चाहते, ये लोग भर्तियों में पारदर्शिता नहीं बरतना चाहते। अगर बरतना चाहते तो जिस तरीके से केंद्र सरकार ने किया है वो हरियाणा में भी हो जाना चाहिए था, तमाम राज्यों में हो जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसलिए हम कह रहे हैं कि पहले नरेंद्र मोदी की बात और अब शुरू करते हैं एक सिलसिला जो जिक्र करेगा पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट का। इन तथ्यों को, इन टिप्पणियों को ये सरकार, ये HSSC, बीजेपी के कार्यकर्ता, नेता, पदाधिकारी झूठला नहीं पाएंगे, क्योंकि अगर इन तथ्यों को, टिप्पणियों को वो झूठलाएंगे तो वो सीधे सीधे या तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर उंगली उठा रहे हैं या फिर पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के तथ्यों पर उंगली उठा रहे हैं, उसकी टिप्पणियों पर उंगली उठा रहे हैं। एक केस है दोस्तों, मेघारानी वर्सेस हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एंड अदर्स। ये दरअसल एक केस सिर्फ एक संस्था के ऊपर नहीं है, संस्था की प्रक्रिया के बारे में नहीं है, बल्कि ये एक तरीके का पोल खोल अभियान है इस संस्था के खिलाफ। कोर्ट में जो जो हुआ, कोर्ट ने इनके बारे में क्या कुछ कहा, वो बताएंगे हमें खुद एडवोकेट रुपेंद्र घनघस इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद।
सर हम जिक्र कर रहे हैं मेघारानी वर्सेस हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एंड अदर्स केस की जी। सर इस केस में है क्या और क्यों ये दस्तावेज एक तरीके से आईना दिखाते हैं ना सिर्फ हरियाणा सरकार को बल्कि HSSC को और हरियाणा के नौजवानों को भी, और पोल खोलते हैं उस दावे की कि जिसमें ये लोग दावा करते हैं कि बड़ी पारदर्शिता बढ़ती जा रही है नौकरियों में। इसके अंदर जो मेघा रानी है जिन्होंने याचिका दी पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में, मेघा रानी ने आवेदन किया था स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट नाम की पोस्ट के लिए जिसमें उन्होंने 150 अंक प्राप्त किए। उसके उनका एक जो आंसर की इन्होंने अपलोड की रिजल्ट के बाद, उसमें उनका एक क्वेश्चन नंबर 64 है जो उनको लगता था कि उनका क्वेश्चन सही है और उस लिस्ट के अकॉर्डिंग उनका क्वेश्चन वो गलत बता रहा था। तो उन्होंने पहले तो हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन को अपने ऑब्जेक्शंस भेजी इस क्वेश्चन के लिए, लेकिन जब वहाँ उनकी सुनवाई नहीं हुई तो उन्होंने याचिका लगाई पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में। दोस्तों ये हरियाणा में जितनी भी भर्तियों के ऊपर केस है, ये कहानी उन सबको बयां करती है, ये केस उन सबको बयां करता है कि आप जो तमाम लोग पहले अपनी शिकायतों को, अपने ऑब्जेक्शंस को पहुंचाते हैं हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के पास, जब वहां पर उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती, उसकी अनदेखी होती है, तो मजबूरी में कोर्ट में जाना पड़ता है। मेघा रानी केस में भी यही हुआ, जब ऑब्जेक्शंस की अनदेखी की गई तो मजबूरी में उन्हें कोर्ट जाना पड़ा। जी जी जी, मेघा रानी ने इस याचिका के अंदर बताया कि उनको 150 अंक प्राप्त हुए हैं इस एग्जाम के अंदर, तो उस अगर उनका ये क्वेश्चन नंबर 64 अगर सही हो जाता है तो उनको इस क्वेश्चन के 2 मार्क्स मिलेंगे और उनका सिलेक्शन जो है जनरल कैटेगरी की पोस्ट के लिए हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर कट ऑफ जनरल कैटेगरी की वो 150 अंक गई है। तो मेघा रानी की इस याचिका के ऊपर माननीय उच्च न्यायालय ने सबसे पहले नोटिस इशू किए और 10th और 12th की टेक्स्ट बुक्स को मंगाया और हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन को नोटिस इशू करके ये बताया कि आपने अभी तक इस एग्ज़ाम की, इस रिटन एग्ज़ाम की आपने अभी तक रिवाइज आंसर की क्यों नहीं अपडेट की है अपनी वेबसाइट के ऊपर। ये 2 क्वेश्चन पहली हियरिंग के अंदर माननीय उच्च न्यायालय ने पूछे हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन से। जी, और ये उसके बाद आपको बता दें कि होता क्या है कि पहले कोई रिटन एग्जाम होता है, उसके बाद जब उसका रिजल्ट आता है फिर उसकी आंसर की डाली जाती है। जो एस्पिरेंट्स होते हैं उनको पता चलता है कि आपने जो जो उत्तर दिए थे वो सही हैं या गलत हैं, और अगर गलत है तो फिर उसके बाद इन लोगों को ऑब्जेक्शंस भेजने होते हैं। इस केस में भी ऐसा हुआ, लेकिन उसके बाद एक और प्रक्रिया होती है। जब आप लोगों को ये पता चल गया कि संस्था के कुछ सवाल गलत थे या कुछ सवालों के उत्तर गलत थे, उसके बाद ऑब्जेक्शंस भेजे जाते हैं एस्पिरेंट्स की तरफ से, कैंडिडेट्स की तरफ से, और उनको एंटरटेन करते हुए एक रिवाइज्ड आंसर की बनाई जाती है। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन नाम की जो ये संस्था दावा करती है पारदर्शिता का, पारदर्शिता का सबसे बड़ा और पहला आधारभूत पैमाना ये होता है कि कोई भी, आप अगर परीक्षा देते हैं उसके सवालों के कोई उत्तर देते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो आपने उत्तर दिए हैं वो सही हैं या गलत हैं। ये सबसे बेसिक आधार है, लेकिन ये संस्था वहीं पर धांधली कर रही थी। आप लोगों को पता ही नहीं चल पा रहा था कि आपने जो उत्तर दिए हैं वो सही हैं या गलत हैं, क्योंकि ये लोग रिवाइज आंसर की डाल ही नहीं रहे थे। उसके बाद क्या कुछ हुआ? उसके बाद जो अगली 2 तारीखें हैं उनके ऊपर कोई हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन की कमीशन की तरफ से कोई पेश नहीं हुआ। उसके बाद सेक्रेटरी हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कोर्ट के अंदर अपीयर होते हैं और बताते हैं कि क्वेश्चन नंबर 64 जो इसका याचिकाकर्ता मेघा रानी का था वो क्वेश्चन बिल्कुल सही है और उन्होंने इसके मार्क्स इनको दे दिए हैं। तो उसके बाद माननीय हाईकोर्ट ने ये कहा कि आप मुझे ये बताइए कि आपने अभी तक रिवाइज आंसर की अभी तक क्यों नहीं अपडेट की है। तो इसके बाद उन्होंने बड़ा इंटरेस्टिंगली ये कहा कि द आंसर कीज इन ईच रिटन एग्जामिनेशन वुड बी अपलोडेड ऑन द वेबसाइट ऑफ द कमीशन, द नीडफुल हैज स्टिल नॉट बीन डन इन द प्रेजेंट केस, ही सबमिटेड द अपलोडिंग आंसर की इन ऑल सिलेक्शन मैटर्स वुड टेक अबाउट 2 मंथ्स। 2 महीने लगेंगे उनको रिवाइज आंसर की अपलोड करने में हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की वेबसाइट के ऊपर। सेक्रेटरी हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने ये कोर्ट को बताया कि मैं 2 महीने में हम लोग कर देंगे रिवाइज आंसर की, हम लोग डाल देंगे। तो उसके बाद माननीय उच्च न्यायालय ने कहा
दिस कोर्ट डायरेक्टिंग दैट रिवाइज आंसर की बी अपलोडेड इन ईच सिलेक्शन प्रोसेस एज अदरवाइज इट वुड नॉट टेक टू मंथ्स बाय एनी स्ट्रेच ऑफ इमेजिनेशन टू अपलोड द रिवाइज आंसर की ऑलरेडी अवेलेबल विद द कमीशन. अपलोडिंग एन आंसर की वुड नॉट इवन अ डेज जॉब, इन फैक्ट पॉसिबली ओनली अ फ्यू मिनट्स वर्क बाय अ कॉम्पिटेंट डाटा एंट्री ऑपरेटर और कंप्यूटर ऑपरेटर. तो माननीय उच्च न्यायालय ने इसके अंदर कहा कि दो महीने में आप कैसे, कौन सी इमेजिनरी दुनिया के अंदर है कि आपको दो महीने का टाइम लगेगा, ये तो इनफैक्ट कुछ दिनों का, इनफैक्ट कुछ मिनटों का काम है. कोर्ट यहां पर क्या कर रहा है, ये लोग जिस काम के लिए दो दो महीने का वक्त मांगते हैं, रिवाइज आंसर की डालने के लिए इन लोगों को दो महीने का वक्त चाहिए, लेकिन कोर्ट क्या कहती है कि भाई ये तो एक दिन का काम है, असल में तो एक दिन का भी क्यों, ये तो काम ही कुछ मिनटों का है, एक डाटा एंट्री ऑपरेटर को आप बैठाइए और उस काम को करवाइए, किसी भी तरीके से इसमें दो महीने का वक्त नहीं लगना चाहिए. कोर्ट क्या कह रहा है और ये लोग क्या कह रहे हैं, भर्तियों को लटका कौन रहा है, इस प्रक्रिया को लंबा कौन करना चाहता है, ये यहां पर कोर्ट की टिप्पणी से पता चलता है. ये कोर्ट ने कहा है जो भी ये दावा हम लोग कर रहे हैं ये कोर्ट के दस्तावेजों के आधार पर कर रहे हैं. पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसके ऊपर जो इस केस की तमाम प्रोसीडिंग्स हैं उसकी जो डिटेल्स हैं उसके ये कागजात हैं उसके आधार पर हम लोग बोल रहे हैं. कभी भी पब्लिकली ऐसी कोई भी बयानबाजी मत कीजिए जिसकी वजह से कोर्ट को आप कॉन्ट्राडिक्ट करें. जी आगे क्या बात है. इसके अंदर माननीय उच्च न्यायालय ने और सख्त रुख अपनाते हुए कई जो पिछली याचिकाएं थी उनका निपटारा करते हुए माननीय उच्च न्यायालय ने यह कहा था कि कोई भी अगर आप सिलेक्शन प्रोसेस करेंगे, कोई भी रिटर्न एग्जाम अगर आप लेंगे तो उसकी जो रिवाइज आंसर की है रिजल्ट के तुरंत बाद आप अपडेट कर दीजिए ताकि जो परीक्षार्थी हैं जिन्होंने उस एग्जाम के लिए आवेदन किया था उनको पता चल सके कि उनके कितने मार्क्स हैं और कितने मार्क्स उनके रिटर्न एग्जाम के अंदर आए हैं. तो इस बात को लेकर माननीय उच्च न्यायालय ने बहुत ही सख्त रुख अपनाते हुए कंटेम्प्ट नोटिस इशू किए चेयरमैन हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन और सेक्रेटरी हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन. अवमानना के नोटिस उन्होंने जारी किए दोनों को. और शायद मेरी जानकारी अगर सही हो तो यहां तक था कि ये जो आदेश था रिवाइज्ड आंसर की डालने का सिर्फ इस केस में नहीं बल्कि उससे पहले भी कई केसेस में आदेश हो चुके थे लोगों को, लेकिन ये लोग नजरअंदाज कर रहे थे इसलिए इन लोगों के खिलाफ अवमानना का नोटिस जारी हुआ. और इस बात को समझना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है कि ये लोग रिवाइज्ड आंसर की क्यों नहीं डाल रहे, क्योंकि ये वो लोग हैं जो बताते हैं कि ग्राम पंचायत का मुखिया राष्ट्रपति होता है, एक और 11 मुहावरे का मतलब गायब हो जाना होता है, पगड़ी उतारने का मतलब सेवा करना होता है, ये ऐसी ऐसी चीजें, ऐसे ऐसे आंसर्स इन लोगों ने दिए हैं. अगर ये रिवाइज आंसर की डालते हैं तो इन लोगों की पोल खुलती है, इस वजह से इन लोगों ने ऐसा नहीं किया. बहुत सारे कैंडिडेट्स ने हमें जो शिकायतें भेजी हैं, हमें जो अपनी पीड़ा भेजी है, उसमें इन लोगों ने ये तक बताया है कि एक एक परीक्षा में 7-7, 8-8 क्वेश्चंस इन लोगों के गलत थे, इस वजह से ये लोग रिवाइज आंसर की नहीं डालते थे. लेकिन जब कोर्ट ने डंडा किया, कोर्ट ने इन लोगों को लताड़ लगाई, उसके बाद इन लोगों का क्या रुख था सर? उसके बाद जब वो इन्होंने एफिडेविट के माध्यम से माननीय उच्च न्यायालय के अंदर अपना जो है अपना पक्ष रखा, उसमें उन्होंने ये बताया कि 544 जो रिटर्न एग्जाम्स की रिवाइज आंसर की उन्होंने नहीं डाली थी, तो उससे एक दिन पहले उन्होंने सारी की सारी रिवाइज आंसर कीज जो है अपनी वेबसाइट के ऊपर अपलोड कर दी कि हमने सारी की सारी रिवाइज आंसर कीज जो है अपलोड कर दी. तो इसके बाद जो माननीय उच्च न्यायालय को कंटेम्प्ट नोटिस जो है वो वापस लेना पड़ा. अवमानना का नोटिस जारी हुआ, इन लोगों ने आंसर की अपलोड कर दी जी, और जिस काम के लिए कह रहे थे कि इसके लिए तो हमें 2 महीने का वक्त लगेगा, कोर्ट ने इनको लताड़ लगाई, तब जाके ये प्रक्रिया तेज हुई, लटकी नहीं. और तो उसके बाद इन्होंने कोर्ट के अंदर लिखित में अपने एफिडेविट के माध्यम से उन्होंने अश्योरेंस दी, एन अश्योरेंस हैज बीन गिवन फर्दर दैट फॉर ऑल फ्यूचर सिलेक्शन प्रोसेस ऑल्सो द रिवाइज आंसर की ऑन द बेसिस ऑफ विच द रिजल्ट ऑफ द रिटर्न एग्जामिनेशन इज बीन अनाउंस्ड शैल बी अपलोड ऑन द वेबसाइट ऑफ द रेस्पोंडेंट कमीशन अलॉन्ग विद द रिजल्ट बीन डिक्लेयर्ड. जैसे ही अगर आप जिस आंसर की के बेसिस पे आप रिजल्ट अनाउंस कर रहे हैं उसके साथ ही आप जो है रिवाइज आंसर की अपनी वेबसाइट के ऊपर आप अपलोड करेंगे, आएंगे हम लोग आगे अपलोड कर देंगे, अपलोड कर एश्योरेंस दी जी. उसके बाद क्या हुआ जब इस मामले में आंसर की आई तो ये शायद उसमें
और कई सारी पेचीदगियां इसमें आई जी। तो जब इन्होंने रिवाइज आंसर की जो है इस रिटर्न एग्जाम की उन्होंने अपलोड की, तो इसमें जो याचिका करता है मेघा रानी, उनके दो और क्वेश्चन उनके सही हो गए जिनके आंसर उस रिवाइज आंसर की में भी इन्होंने गलत दिए हुए थे। अच्छा, एक क्वेश्चन के लिए मेघा रानी कोर्ट में गई जी कि भी इन लोगों ने इसका उत्तर गलत दिया है। जी जी, जब इन लोगों ने रिवाइज आंसर की डाली तो फिर उनको पता चला कि दो और गलत दे रखे, दो और ऑब्जेक्शन इन लोगों ने एंटरटेन नहीं किए थे। तो उसके अंदर क्वेश्चन नंबर 56 और क्वेश्चन नंबर 49, ये दो क्वेश्चंस थे जिसके आधार पर मेघा रानी कह रही थी कि इनके ये दो क्वेश्चंस और सही हैं। तो इसमें माननीय उच्च न्यायालय ने जो चीफ एग्जामिनर है उनको लताड़ लगाई और उनको बताया कि आपने बिना किसी तथ्यों की जानकारी के, बिना किसी साइंटिफिक रिसर्च के आपने रिवाइज आंसर के ऐसे कैसे अपलोड कर दी। तो इसके अंदर माननीय उच्च न्यायालय ने कहा कि जो मेघा रानी ने जो बात कही है वुड हैव टू बी एक्सेप्टेड एज प्राइमा फेसी करेक्ट, जो मेघा रानी ने बात की है वो प्रथम दृष्टा सत्य है। उसके बाद माननीय उच्च न्यायालय ने ये कहा इसके अंदर जो इंस्ट्रक्शंस चीफ एग्जामिनर को दी गई थी आप वो सीलबंद लिफाफे के अंदर कोर्ट के अंदर लेकर आइए कि चीफ एग्जामिनर ने अपना काम किस तरीके से किया है, कि जो उनको इंस्ट्रक्शंस मिले थे उसके बाद भी रिवाइज आंसर की में भी दो क्वेश्चन के आंसर वो गलत दे दे रहे हैं। इसमें माननीय उच्च न्यायालय ने कहा इफ द इंस्ट्रक्शंस आर नॉट रिसीव्ड इट मे बी नेसेसरी टू इश्यू अ नोटिस टू द एग्जामिनर इफ दिस कोर्ट इज ऑफ द ओपिनियन दैट ही और शी हैज बिहेव्ड इन एन इररिस्पॉन्सिबल और कैजुअल मैनर बिकॉज ऑब्वियसली एनी आंसर की गिवन विदाउट प्रॉपर रिसर्च अफेक्ट द लाइफ ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ सिटीजन टेकिंग पार्ट इन द सिलेक्शन प्रोसेस। कोर्ट ने यह कहा कि चीफ एग्जामिनर ने बिना किसी साइंटिफिक रिसर्च के, बिना किसी एविडेंस के बहुत सारे परीक्षार्थियों के जीवन के साथ खेलते हुए उन्होंने ये रिवाइज आंसर की अपडेट की है अपनी वेबसाइट के ऊपर जी। एग्जामिनर ने जो ये दो क्वेश्चंस का आपने जिक्र किया जी, एग्जामिनर ने ये भी दावा किया था कि क्वेश्चन जो इन लोगों ने उत्तर दिया है वो ही सही है। हाँ, ये भी दावा किया था जी जी, ये भी दावा किया था। और उसके बाद जब माननीय उच्च न्यायालय ने नोटिस जारी किया तो उसके बाद उन्होंने दो बार माफी भी मांगी है माननीय उच्च न्यायालय से। उन्होंने कहा कि आई एक्सप्रेस माई अपोलॉजी फॉर द सेम एंड एंश्योर यू दैट सच एरर विल नॉट कमिटेड इन फ्यूचर। दोनों ही क्वेश्चंस के लिए उन्होंने माननीय उच्च न्यायालय से माफी मांगी है कि मेरे से गलती हो गई, मैं ये अपनी गलती फ्यूचर के अंदर रिपीट नहीं करूंगा और इस गलती के लिए मुझे क्षमा कर दीजिए। इन्होंने ये दो बार माफी मांगी है। इन लोगों ने जो हरियाणा के युवाओं की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करते करते कोर्ट के साथ भी खिलवाड़ करने की कोशिश की, कोर्ट में भी इन लोगों ने गलत उत्तर दिए, कोर्ट में भी गलत बयानबाजी की, कोर्ट को भी गुमराह करने की कोशिश की। पर इसमें इन्होंने माननीय उच्च न्यायालय ने साफ कहा इट इज डायरेक्टेड दैट द चीफ एग्जामिनर हु हैज बीन कंसल्टेड शैल नॉट बी अपॉइंटेड बाय द कमीशन फर्दर इन सिलेक्शन प्रोसेस He having initially denied what was obviously wrong, even when an objection was raised to these questions. उन्होंने जब ऑब्जेक्शन रेज किया इन क्वेश्चंस के ऊपर, शुरू में उन्होंने झुठला दिया, उसके बाद उन्होंने दो बार माफी मांगी। तो माननीय उच्च न्यायालय को लग गया कि चीफ एग्जामिनर जो काम कर रहे हैं वो इररिस्पॉन्सिबल है, उनका यह रवैया कतई बर्दाश्त नहीं किया जा सकता और परीक्षार्थियों को ऐसे किसी भी सूरत में ऐसे चीफ एग्जामिनर के हवाले नहीं किया जा सकता। तो इसके बाद माननीय उच्च न्यायालय ने उनको कहा कि आप आगे से किसी भी सिलेक्शन प्रोसेस का पार्ट नहीं रहेंगे, द चेयरमैन ऑफ द कमीशन एंड द मेंबर्स आर डायरेक्टेड टू बी अवेयर ऑफ द फैक्ट दैट दे आर डीलिंग विद द लाइफ ऑफ एंड कैरियर्स ऑफ फॉर टू मैनी सिटीजन्स टू अडॉप्ट सच ए कैल्यूस एटीट्यूड इन पब्लिशिंग रिजल्ट इवन आफ्टर ऑब्जेक्शंस आर रिसीव्ड। माननीय उच्च न्यायालय ने साफ कहा कि ऑब्जेक्शंस आपके पास आ चुकी हैं, चेयरमैन को ये और मेंबर्स को ये डायरेक्शन दी कि आप ऐसा रवैया जो स्टूडेंट्स के ऊपर उनके करियर और उनके जीवन के साथ ऐसा रवैया आप नहीं अपना सकते हैं, जबकि आपके पास ऑब्जेक्शन पहले से ही रिसीव हो चुकी हैं, आपका ये रवैया कतई भी बर्दाश्त लायक नहीं है जी। और ये एक तरीके से इस संस्था के लिए, कमीशन के लिए डूब के मर जाने वाली बात है कि जिस चीफ एग्जामिनर के हवाले आपने हरियाणा के लाखों युवाओं का भविष्य कर रखा था उसके बारे में कोर्ट ये कह रहा है कि ये जो शख्स है ये बहुत ही गैर जिम्मेदार आदमी है, इसको कम से कम इस प्रक्रिया का आगे से हिस्सा नहीं होना चाहिए। इस शख्स ने क्या क्या नहीं किया होगा जिसकी वजह से कोर्ट ने ऐसी टिप्पणी करनी पड़ी।
जी आगे क्या जी, हुआ सर? इसके बाद माननीय उच्च न्यायालय ने कहा कि आप जो रिवाइज जो आप रिजल्ट लेके आओगे, आप हमें ये बताइए कि आप हमें ये बताइए कि जो और परीक्षार्थी थे आप उनके साथ क्या करो, क्योंकि अब तो पूरी की पूरी कट ऑफ जो है वही चेंज हो गई, जिसका जर्नल में सिलेक्शन हुआ, जिनके ये दो क्वेश्चन सही थे उसके बाद उनके मार्क्स कम हो जाएंगे, तो अल्टीमेटली पूरा रिजल्ट ही डिस्टर्ब हो गया। आप पूरे रिजल्ट को दोबारा बनाइए, आप पूरे रिवाइज आंसर की को दोबारा बनाइए और आप उसको अपने वेबसाइट के ऊपर अपलोड कीजिए, जिससे सबको ये पता चल सके कि सही आंसर लिस्ट क्या है और सही रिजल्ट क्या है। अब जिन लोगों का नौकरी के लिए सिलेक्शन हो चुका है उनमें से कुछ लोगों को हो सकता है कि बाहर निकलना पड़े, गलती किसकी? इस संस्था के पदाधिकारियों की। गलती किसकी? कि इस संस्था को जिस सरकार ने बनाया, और बिल्कुल भी आज तक दावा है मेरा खरी खरी न्यूज का कि मुख्यमंत्री ने आज तक भी किसी केस के बारे में ये नहीं पूछा होगा कि भाई साहब किसकी गलती है, क्यों बार बार तमाम भर्तियां कोर्ट में जाके फंस रही है। उन्होंने आज तक ये नहीं पूछा होगा कि चीफ एग्जामिनर के बारे में क्या कुछ सोचना है हाई कोर्ट का, इस संस्था के बारे में कोर्ट ने क्या कुछ टिप्पणियां की हैं, क्यों अवमानना का नोटिस जारी करना पड़ा चेयरमैन और सेक्रेटरी को, क्या मुख्यमंत्री को ये नहीं पूछना चाहिए? ऐसा उन्होंने नहीं पूछा। पता है क्यों नहीं पूछा? क्योंकि मुख्यमंत्री खुद जनता में जाके गलत बयानी में जुटे हुए हैं। मुख्यमंत्री जनता में रैलियों में जा जाके ये कहते हैं कि जो भर्तियां हैं वो कोर्ट की वजह से लटकी हुई हैं। कोई चीजें कोर्ट में फंसा के रखी हुई हैं, कोर्ट ढूंढ रहे हैं इसके अंदर कोई गड़बड़ हुई क्या नहीं हुई, क्योंकि उनको गड़बड़ी ध्यान में आते हैं। कोर्टों में जज ऐसे बैठे हैं जिनको लगता है कि शायद ये सरकार जैसे पिछली सरकारें करती थी वैसे ही गड़बड़े होंगी। कोई चीजें कोर्ट में फंसा के रखी हुई है, कोई चीजें कोर्ट में फंसा के रखी हुई है, कोर्ट ढूंढ रहे हैं इसके अंदर कोई गड़बड़ हुई क्या नहीं हुई, क्योंकि उनको गड़बड़े ध्यान में आते हैं। कोर्टों में जज ऐसे बैठे हैं जिनको लगता है कि शायद ये सरकार जैसे पिछली सरकारें करती थी वैसे ही गड़बड़े होंगी। कोर्टों में जज ऐसे बैठे हैं जिनको लगता है कि शायद ये सरकार जैसे पिछली सरकारें करती थी वैसे ही गड़बड़े होंगी। क्या कोर्ट के बारे में इस तरीके की टिप्पणी कोई कर सकता है? आम लोग या फिर मुख्यमंत्री जैसे पद पर बैठा हुआ कोई शख्स कर सकता है? जी नहीं, मुख्यमंत्री जी मुझे लगता है कि उनका यह बयान बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। जिन लोगों के ऊपर संवैधानिक संस्थाओं की गरिमा बचाने की जिम्मेदारी होती है, गरिमा बनाए रखने की जिम्मेदारी होती है, अगर वही जनता के बीच में उन्हीं संवैधानिक संस्थाओं की और विशेष तौर पर न्यायपालिका की गरिमा को अगर वो चोट पहुँचाने का काम करेंगे तो ये मतलब बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। और मुझे ये लगता है कि मुख्यमंत्री जी कानूनी प्रक्रिया को निमंत्रण दे रहे हैं कि विपक्षी उन पर कुछ कानूनी कार्रवाई करें, कॉन्टेम्प्ट का नोटिस मुख्यमंत्री जी के खिलाफ इश्यू हो सकता है न्यायपालिका के बारे में गलत बयानी करने का जनता के बीच में। जी, एक तो ये हुआ कि इस तरीके का आरोप कोर्ट के ऊपर लगा देना कि भी कोर्ट की वजह से भर्तियां लटकी हुई हैं। दूसरा, उन्होंने ये कहा कि कोर्ट में जो जज बैठे हुए हैं, ऐसे जज बैठे हुए हैं जिनको ये लगता है कि पिछली सरकारों की भर्तियों में धांधली हुई थी, तो हो सकता है कि इसमें भी कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई हो। क्या किसी जज की या किसी कोर्ट की ऐसी मानसिकता होती है कि भी पिछली सरकारों में अगर गड़बड़ हुई है तो हो सकता है कि इसमें भी गड़बड़ हुई हो, इसलिए किसी केस को एक्सेप्ट कर लिया जाए या किसी केस को मतलब इस तरीके से लटका दिया जाए? क्या इस मानसिकता के साथ किसी केस को एक्सेप्ट किया जाता है, एंटरटेन किया जाता है कोर्ट में? जी नहीं, ये तो मुझे लगता है बहुत ही बचकानी बात है। न्यायपालिका के अंदर जो जज बैठे हुए हैं वो कभी भी इस आधार पे केसेस को एक्सेप्ट नहीं करते कि इस केसेस के माध्यम से हम भर्ती लटका देंगे या इस केस के माध्यम से ये हो जाएगा वो हो जाएगा। वो उस केस की मेरिट पे जाते हैं, वो उस केस के फैक्ट्स पे जाते हैं, वो उस केस की लीगल पॉइंट्स के पे जाते हैं। कि भी पिछली सरकारों में हुआ होगा तो इस केस को तो लेके आओगे? नहीं 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 नहीं, गड़बड़ मिलेगी नहीं नहीं, किसी की भी ये सोच नहीं होती। और मुझे तो खुद हंसी आ रही है, ऐसे ही किसी को उच्च न्यायालय में ऐसी किसी पेटिशन को एंटरटेन नहीं कर लिया जाता। उनकी पहले गहनता से जांच होती है, डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होते हैं, उनके बारे में पता किया जाता है कि ये केस कैसे डाल रहे हैं, इनके पीछे क्या रिलीफ इनको चाहिए, तो सारी चीज़ों की जानकारी लेने के बाद ही वो केस एक्सेप्ट होता है और प्रॉपर कोर्ट में रोस्टर सिस्टम के माध्यम से प्रॉपर उस न्यायाधीश के पास जाता है। केस एक्सेप्ट होने से पहले भी एक प्रक्रिया होती है, जी जी जी, लगे कि हाँ इसमें हो सकता है कुछ ना कुछ गलत, हाँ तभी जाके जी, होता जी है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए और हमारे मुख्यमंत्री को बताने के लिए कि कोर्ट किस तरीके से काम करती है। मुख्यमंत्री जी, दो सलाह हैं आपके लिए। एक तो कोर्ट की प्रक्रिया किस तरीके की होती है, कम से कम हमारे जितनी बड़ी बेसिक सी जानकारी, हम इतने बड़े जानकार नहीं हैं इसलिए वकीलों को हमें बुलाना पड़ता है, बड़ी बेसिक सी जानकारी आप कानूनी प्रक्रिया के बारे में ले लीजिए। दूसरा, आप टाइम निकाल के पता लगाइए
कि आपकी संस्था हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन क्या कर रही है, क्यों तमाम भर्तियां कोर्ट में फंसी पड़ी हैं, क्या कोर्ट की का मानना है आपके चेयरमैन के बारे में, उसके सेक्रेटरी के बारे में, क्या कोर्ट का मानना है आपके चीफ एग्जामिनर के बारे में। आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे Facebook पेज को भी जरूर लाइक कीजिएगा।